आज के युग में जहां AI, डेटा साइंस और रोबोटिक जैसी चीजें लोगों पर हावी हो चुकी हैं, वहीं क्या आपने सोचा है कि सेना इन सब चीजों का इस्तेमाल कैसे कर रही? अगर आप नहीं जानते तो बता दें, भारतीय सेना आत्मनिर्भरता के साथ साथ डिजिटलाइजेशन की ओर भी मजबूती से कदम बढ़ा रही। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक, क्वांटम साइंस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करने की दिशा में भारतीय सेना लगातार काम कर रही। सीमा पर चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर देने के इरादे से सेना को डिजिटली मजबूत बनाने पर भारत सरकार विशेष ध्यान दे रही। इसके लिए हाल ही में इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड सर्विलांस और इंटेलिजेंस सिस्टम पर काम भी शुरू किया जा चुका है। इन सिस्टम्स की मदद से विभिन्न तरह के सेंसर, सैटेलाइट, ड्रोन और रडार पर काम किया जा रहा। ये भारतीय सेना को भविष्य में और बेहतर बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम साबित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कई सिस्टम्स को दिसंबर 2025 से पहले भारतीय सेना का हिस्सा बना दिया जाएगा। कुल मिलाकर इस पूरी कवायद का मकसद भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूत और सक्षम बनाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के आने से सेना को काफी बल मिलेगा। इतना ही नहीं, युद्ध क्षेत्र में फैसला लेना हो या फिर सेना की तैनाती या फिर सामान आदि पहुंचाना हो, मतलब किसी भी ऑपरेशन में इस सिस्टम की वजह से काफी ज्यादा मदद मिलेगी। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दम पर आर्मी ज्यादा सटीक, खतरनाक और टिकाऊ बनने पर ध्यान देगी। अब क्योंकि सेना में ऑटोमेशन पर लगातार काम चल रहा, तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में तकनीक में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसी जानकारी सामने आ रही कि इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड और सर्विलांस सिस्टम का मैदान रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में पिछले साल ही ट्रायल किया जा चुका है। और ये भी बताया जा रहा कि इसका नाम प्रोजेक्ट संजय है और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार कर रहा। इस प्रोजेक्ट के तैयार हो जाने के बाद युद्ध क्षेत्र में सभी स्तर पर कमांडर और स्टाफ को फैसले लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वर्तमान में आर्टिलरी कॉम्बैट कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बड़े स्तर पर अपग्रेड किया जा रहा। ऐसी खबर है कि SMA नाम का एक मॉड्यूल भी तैयार किया जा रहा। यह आर्मी के इन्फॉर्मेशन और डिसीजन सिस्टम को सपोर्ट करेगा। इसके जरिए सेना से जुड़ी सूचनाएं मात्र एक क्लिक पर सामने होंगी। सूत्रों के मुताबिक इस सिस्टम को 2 साल के लिए रोल आउट किया जा रहा। वहीं अगर बात की जाए पड़ोसी देश इस क्षेत्र में कहां खड़ा है, तो बता दें पाकिस्तान तो पहले से ही 20 साल पीछे चल रहा, उसे इस क्षेत्र में आने में अभी काफी वक्त है। रही बात चीन की, तो उसकी सेना पहले से ही इस दिशा में काम कर रही है। इसके जरिए ड्रैगन अपनी सेना को ज्यादा ताकतवर और फ्यूचर रेडी बना रहा, और अब उसी दिशा में भारत ने भी खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।